तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मिर्चे और आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज का हमारी असल ज़िंदगी में क्या क्या उपयोग है। तो चलो दोस्तों, बिना देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेरिवेटिव यानी कि अवकलज एक सटीक दर है जिस पर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के संबंध में बदलती है। आज के मॉडर्न डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स का क्रेडिट सर इसाक न्यूटन और गॉडफ्री लाइबनिज को जाता है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम डेवलप किए थे। लेकिन दोस्तों, इसाक न्यूटन और बाकी गणितज्ञों का काम इसाक ब्राउन के प्रयासों के बिना नामुमकिन होता, क्योंकि दोस्तों इसाक ब्राउन ने 16वीं शताब्दी में डेरिवेटिव्स का प्रारंभिक विकास शुरू कर दिया था। तो चलो दोस्तों, अब इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, तो दोस्तों हम डेरिवेटिव्स का यूज़ टेम्परेचर वेरिएशन यानी कि तापमान भिन्नता को चेक करने के लिए करते हैं। दूसरा, हम डेरिवेटिव्स का यूज़ फिजिक्स के बहुत सारे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए करते हैं। तीसरा, हम डेरिवेटिव्स का यूज़ भूकंप विज्ञान का अध्ययन करने के लिए करते हैं, जैसे कि भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। चौथा, तो दोस्तों डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हमें बहुत सारे इंजीनियरिंग और साइंस प्रॉब्लम्स में मिल जाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम किसी चलते हुए वस्तु का मॉडल बना रहे हैं। पाँचवा, तो दोस्तों हम डेरिवेटिव का यूज़ गेम्स खेलते समय करते हैं। तो दोस्तों, गेम्स में जब हम किसी चलते हुए दुश्मन को शूट करते हैं तो वह कई बार मिस हो जाता है। तो दोस्तों, हम अगली बार उसके अगले मूवमेंट को प्रिडक्ट यानी कि उसका मूवमेंट का पहले से ही पता लगा लेते हैं, उसके बाद हम शूट करते हैं। तो दोस्तों, हम उसके मूवमेंट का प्रिडक्शन उसके डायरेक्शन और स्पीड को चेक करके करते हैं, यानी कि दोस्तों हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। छठवां, केमिस्ट्री में, तो दोस्तों हम डिफरेंशिएशन का यूज़ केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के गति को मापने के लिए और रिएक्शन के दौरान कितने केमिकल कंपाउंड का उसमें यूज़ हुआ है और कितने केमिकल कंपाउंड का लॉस हुआ है, यह सब जानने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, डेरिवेटिव को फाइंड करने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। सातवां, इकोनॉमिक्स में, तो दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज के परिणाम को पहले से पता करने के लिए हम डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। आठवां, तो दोस्तों हम पुराने पत्थरों का उम्र पता करने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। नौवां, ऑटोमोबाइल में, तो दोस्तों ऑटोमोबाइल में हमेशा दो चीज़ें होती है, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर। तो दोस्तों ऑडोमीटर वाहन द्वारा कितना दूरी तय किया है वो बताता है और स्पीडोमीटर व्हीकल का स्पीड बताता है। तो दोस्तों ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों मिलकर ड्राइवर को उसकी स्पीड और वह कितना दूरी तय कर चुका है ये चीज़ बताता है। तो दोस्तों, यह मापन का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन डिटरमिनेंट का यूज़ कर टायर से उसका डिस्टेंस और उसका स्पीड आसानी से ड्राइवर को शो कर देता है। दसवां, बिजनेस में, तो दोस्तों जब हम कोई डेटा को ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं तो हम डेरिवेटिव का उपयोग कर उस ग्राफ में प्रॉफिट पॉइंट और लॉस पॉइंट आसानी से पता कर सकते हैं। ग्यारहवां, हम डेरिवेटिव का यूज़ ज्योग्राफी में करते हैं। तो दोस्तों वातावरण में कितने गैसेस उपस्थित है इसका अध्ययन करने के लिए हम डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। बारहवां, तो दोस्तों पायलट डेली हवा में दबाव का पता करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। तेरहवां, तो दोस्तों रडार गन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड और डिस्टेंस पता करने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ करता है। 14, तो दोस्तों हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके के दर को, बैक्टीरिया के ग्रोथ के दर को, न्यूक्लियर डीके के बहुत सारे समस्याओं को, हीट ट्रांसफ़र को आदि को हम डेरिवेटिव के मदद से माप सकते हैं। 15, तो दोस्तों हम डेरिवेटिव की मदद से किसी वस्तु का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम आदि पता कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा।